हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ और आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ डायरिया या लूज मोशन के ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो मैं बता दूँ, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना फूड पाइप के ज़रिए स्टमक में पहुँच जाता है। यहाँ पर ये डाइजेस्ट होता है और फिर ये इंटेस्टाइन में पहुँचा दिया जाता है। यहाँ पर इसके न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और ये बॉडी के लिए छोड़ दिया जाता है, और जो बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टूल के ज़रिए बाहर निकल जाता है। जब डायरिया होता है या आंतों में इन्फेक्शन होता है या आंतों में सूजन आ जाती है, तो जो बॉडी फ्लूड होता है वो आंतों से इसके ल्यूमेन में पहुंच जाता है और फिर ये लूज़ मोशन के रूप में बाहर निकलने लगता है। 5-10 बार जब लूज़ मोशन हो जाते हैं तो इससे पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सिम्टम्स के बारे में। तो बार बार लूज़ मोशन होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ देखा जाता है। टंग देख सकते हैं आप, उसकी ड्राइनेस से पहचान कर सकते हैं। दूसरा, आप स्किन टर्गर को भी देख सकते हैं, मतलब कि स्किन को पिंच करके देखा जाता है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो जब हम स्किन को पिंच करते हैं तो ये वापस नॉर्मल होने में थोड़ा 3-4 सेकेंड का वक्त लगता है। इससे आसानी से पता लगा सकता है कि डिहाइड्रेशन कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। और साथ में इसमें एब्डोमिनल पेन, मतलब कि पेट में दर्द देखा जाता है, जी मिचलाना, उल्टी या कभी कभी बुखार भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसके लिए ORS सॉल्यूशन दिया जाता है, और जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इस ORS को सिरिंज के द्वारा दिया जाता है। साथ में जिंक सल्फेट 10 से 20 mg 10 से 15 दिन के लिए दिया जाता है। अगर जी मिचला रहा है, मतलब कि नोज़िया है, वोमिटिंग है, तो इसके लिए आप ओंडेनिस्ट्रोन 4 mg टेबलेट दे सकते हैं। और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स में आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी डोज में दे सकते हैं 3 दिन के लिए, या सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg सुबह शाम 3 दिन के लिए दे सकते हैं, या आप नोरफ्लोक्सासिन 400 mg सुबह शाम 3 दिन के लिए दे सकते हैं। अब एंटी मोटिलिटी एजेंट्स के लिए क्या देंगे, क्योंकि सूजन की वजह से आंतों की जो मोटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो इसके लिए आप लोपरामाइड 2 mg या 4 mg सुबह, दोपहर, शाम 2 दिन के लिए दे सकते हैं। क्रैम्प बढ़ जाते हैं, उसके लिए एंटी स्पास्मोडिक देने पड़ेगा, उसमें आप बुस्कोपान टेबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। फीवर होने पर आप पैरासीटामोल 500 mg की डोज सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। और साथ में प्रीबायोटिक्स, मतलब कि ये भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों में पहले से मौजूद रहते हैं, और ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। और आप इसके लिए प्रीबायोटिक्स के लिए दही दे सकते हैं, क्योंकि दही एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक्स है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।